बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया अजीबोगरीब वाकयात से भरी पड़ी है। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो रोजाना की बुनियाद पर आपको हैरानों परेशान कर देने वाले वाकयात देखने को मिलेंगे। इनमें से कई वाकयात इंसान से मजबूरी की हालत में सरजद होते हैं और कई वाकयात इंसान के अजीबोगरीब शौक से ताल्लुक रखते हैं। हमेशा की तरह आज की वीडियो भी ऐसी ही दिलचस्प अजीब स्टोरीज पर मुश्तमिल है, जिन्हें जानकर आप भी शशदर रह जाने वाले हैं। मैं हूँ मुमताज नियाज़ी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदेद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, चलते हैं जापान की तरफ, जहाँ की फनकारा आकी नकाता खुद को स्टोन आर्टिस्ट कहती हैं। वो आम पत्थरों पर पेंट करके इन्हें हकीकत से करीब छोटे छोटे मुजस्मों में बदल देती हैं। पत्थरों से शानदार मुजस्मे बनने का अमल पत्थरों के इंतखाब से शुरू होता है। आकी नकाता पत्थरों को जिंदा अजसाम समझती हैं। उनका मानना है कि पत्थरों के पीछे भी एक तारीख होती है और वो इसे अपने पेंट ब्रश से बयान करती हैं। उन्होंने आम पत्थरों को मुजस्मों में डालना खुद ही सीखा है और वो 2010 से पत्थरों से मुजस्मे बना रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके दो ही शौक हैं, एक तो उन्हें दरिया के किनारे चलना पसंद है और दूसरा इन्हें पत्थर ढूंढना अच्छा लगता है। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में उनके बनाए हुए चंद शाहकार मुजस्मे आप भी मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, पिछले एक साल से इंडोनेशिया के कई शहरों की गली कूचों में और शाहराहों पर चांदी जैसे रंगत वाले भिखारी जा बजा नजर आने लगे हैं और अपनी इस हैयत कजाई की बिना पर वो मकामी लोगों और मीडिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मकामी जबान में इन्हें मनोसिया सिल्वर यानी चांदी का आदमी कहा जाता है। ये तो नहीं मालूम कि भीख मांगने के लिए खुद को चांदी के रंग में रंगने का सिलसिला किसने शुरू किया, लेकिन इंडोनेशिया के भिखारियों में ये रुझान बहुत तेजी से मकबूल हुआ है। इस बारे में भिखारियों का कहना है कि वो बाजार में आम मिलने वाले सिल्वर स्प्रे अपने पूरे जिस्म पर करने के बाद हाथ में भीख का प्याला या डब्बा लेकर निकल जाते हैं। मुनफरिद रंगत की वजह से लोग दूर ही से इन्हें पहचान जाते हैं और यूं इन्हें दूसरे भिखारियों के मुकाबले में ज्यादा आसानी से भीख मिल जाती है और इन्हें भीख मांगने के लिए सदाएं नहीं लगाना पड़ती। नाज़रीन, दीगर कई ममालिक की तरह इंडोनेशिया में भी भीख मांगना जुर्म है और हालिया चंद महीनों से वहाँ की पुलिस ने बतौर खास चांदी के भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इससे मनोसिया सिल्वर की तादाद में कुछ कमी तो जरूर हुई है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस को बगैर तातुल के देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त अहबाब भी मुनफरिद वीडियो से लुत्फ अंदोज हो सके। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।